हे गाइस, दिस इज एग्जॉटिक गेमिंग, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इन दोनों ही कंट्रोल लेआउट के बारे में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, काफी सारे यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स आप लोगों को बताते हैं कि थर्ड वाली कंट्रोल बेस्ट है, लेकिन यार किसी ने भी पूरी डिटेल में आप लोगों को नहीं बताया होगा कि थर्ड वाली कंट्रोल क्यों बेस्ट है। सिर्फ उन्होंने यही बताया कि देखो मूवमेंट एक्यूरेट होती है इसलिए यह बेस्ट। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो काफी सारे जो चाइनीज प्लेयर होते हैं वो मोस्टली थर्ड वाले कंट्रोल लेआउट को ही प्रेफर करते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताऊंगा थर्ड वाली कंट्रोल की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आप लोगों को यूज करनी चाहिए कि नहीं, और साथ ही साथ इसे हम फर्स्ट वाली कंट्रोल से भी कंपेयर करेंगे। तो चलो हम इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। इस वाली टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद इस वाली कंट्रोल को दो बारी ट्राई कर चुका हूँ, और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा लास्ट 5 डेज से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी, क्योंकि यार मैं इसी वाली कंट्रोल को लास्ट 5 डेज से ट्राई कर रहा था। और मैंने लास्ट 5 डेज में काफ़ी सारी क्लासिक एंड क्विक मैचेस के लिए, TDM मैचेस के लिए, तो मुझे बहुत कुछ पता चला इस वाली कंट्रोल के बारे में। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई थी इस वाली कंट्रोल पे और क्या बेनिफिट्स हैं इस वाली कंट्रोल के। और अभी जो आप लोग गेम प्ले देख रहे हो ये वाली मैंने थर्ड वाली कंट्रोल पे ही खेली थी। चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ फर्स्ट एंड कंट्रोल के डिफरेंस क्या है। तो अब हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे, यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स पे, और ये देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट कंट्रोल है इस पे हमारी जो लेफ्ट साइड की हाफ स्क्रीन होती है ये फिलहाल होती है जॉयस्टिक की मूवमेंट के लिए, और राइट साइड की हाफ स्क्रीन जो होती है ये होती है हमारी कैमरा एंगल के लिए। तो रुक जाओ मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे हमारी जो कैरेक्टर के लेफ्ट साइड की स्क्रीन है देख सकते जैसे कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दी, ये हमारी जॉयस्टिक की मूवमेंट के लिए, और जो ये राइट साइड की स्क्रीन है ये हमारी कैमरा एंगल के लिए। तो अगर मैं देखो यहाँ पे अपनी जॉयस्टिक को कहीं और पे भी प्लेस कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो इसे अपर साइड पे प्लेस कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो लेफ्ट साइड के मैं नीचे पे ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारी जॉयस्टिक की मूवमेंट परफेक्टली हो रही है। और राइट साइड पे देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट राइट करता हूँ तो हमारी मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इससे क्या होता है हमारी जो लेफ्ट साइड की कैरेक्टर की लेफ्ट साइड की स्क्रीन है वो फिलहाल हमारी जॉयस्टिक के मूवमेंट के लिए यूज़ हो रही है। देख सकते हैं मैं नीचे यहाँ पे हमारी विजुअल टैब पे देख लो, अब मैं नीचे यहाँ पे अपनी फिंगर को रखा हूँ लेकिन फिर भी हमारी जॉयस्टिक की मूवमेंट परफेक्ट हो रही है। और जो ये हमारी राइट साइड की स्क्रीन है कैरेक्टर की ये देख लो ये फिलहाल हो रही है हमारी कैमरा एंगल के लिए। तो आप लोगों को ये तो भाई काफ़ी अच्छे से पता होगा 90% बंदे ये फर्स्ट वाली कंट्रोल को यूज़ करते हैं। और ये जो हमारी थर्ड वाली कंट्रोल है इस पर जॉयस्टिक की पोजीशन जो है ना वो पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स रहती है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसे 250 पे क्यों रखा वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो ये जॉयस्टिक को मैं अगर लेफ्ट राइट करूँगा तो हमारी मूवमेंट अच्छे से होने वाली है, लेकिन अगर वही मैं देखो कहीं और पे स्क्रीन पे देखो ड्रैग करूँगा नहीं होने वाली। देखो यहाँ पे मैंने जॉयस्टिक को हाईलाइट कर दिया, अभी देखो मैं जॉयस्टिक की आउटर साइड पे यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ अपनी थंब को, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे मेरी कैमरा एंगल ही मूव हो रही है। तो थर्ड वाली कंट्रोल पे होता क्या है कि आप लोग जॉयस्टिक के अलावा कहीं और पे भी अगर आप लोग ड्रैग करोगे एम को या फिर मूव करोगे या स्वाइप करोगे कुछ भी करोगे तो आप लोगों की सिर्फ कैमरा एंगल ही मूव होने वाली है। और अगर आप लोग जॉयस्टिक पे क्लिक करते तो आप लोगों की कैरेक्टर की मूवमेंट होने वाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट तो यहाँ पे मेरी मूवमेंट हो रही है, और मैं जॉयस्टिक के अलावा कहीं और पे अगर अपनी थंब को ड्रैग करता हूँ तो मेरी मूवमेंट नहीं होती है। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले थर्ड वाली कंट्रोल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थर्ड वाली कंट्रोल आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले चलो एडवांटेजेस हम चेक कर लेते हैं। तो हमारी थर्ड कंट्रोल के सबसे पहले एडवांटेज यही कि ये वाली कंट्रोल क्लॉक के लिए बेस्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। मान लो आप लोग 5 फिंगर प्लेयर, आप लोगों के अपर लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे कुछ बटन है और आप लोगों के अपर राइट साइड पे स्क्रीन पे कुछ बटन है। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी थर्ड वाली कंट्रोल पे जॉयस्टिक की पोजीशन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स रहती है, तो इससे क्या होता है जो हमारी बाकी की जो एरियाज होती है स्क्रीन की लेफ्ट साइड की वो भी हम पूरी यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है मेरी लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे देखो अपर साइड पे एक फायर बटन है और एक जंप बटन है, और यहाँ पे मेरी ये जॉयस्टिक है। मान लो अगर बंदा मेरे सामने TPP ले रहा है मैं उसे जंप शॉट मारने जाऊंगा तो अगर मेरे से जंप बटन के अलावा कहीं और पे बाजू में टैप हो जाता है तो क्या होगा मेरे जंप के अलावा बंदा मूव कर जाएगा। और वही अगर थर्ड वाली कंट्रोल रही तो उस पर क्या है कि हमारी जो लेफ्ट साइड की स्क्रीन है वहाँ पे जॉयस्टिक की एक पर्टिकुलर लोकेशन फिक्स है, अगर मेरे से लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे जंप बटन के अलावा लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे कहीं पे भी टच हो जाता है तो उससे क्या होगा हमारी कैमरा एंगल मूव होने वाली हमारी, ना कि बंदा मूव कर जाएगा। तो इसलिए हमारी थर्ड वाली कंट्रोल बेस्ट है क्लॉक के लिए, क्योंकि इस पे क्या है कि अगर आप लोग पैनिक सिचुएशन पे रहे तो आपके अगर मिस टैप होता तो आपका बंदा मूव नहीं करेगा, सिर्फ आपकी कैमरा एंगल मूव होने वाली। तो हमारी जो सेकंड एडवांटेज है इस वाली कंट्रोल की मूवमेंट स्टेबिलिटी। तो मूवमेंट स्टेबिलिटी से मेरा क्या मतलब है, आप लोगों की जो मूवमेंट इसमें होती है ना काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहती है।
क्योंकि इस पे आप लोगों की जॉयस्टिक की साइज़ बड़ी रखनी पड़ती है। तो अब जॉयस्टिक की साइज़ क्यों बड़ी रखनी पड़ती है वो तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो बड़ी जॉयस्टिक मतलब एक्यूरेट मूवमेंट, क्योंकि इसमें आप लोगों की जॉयस्टिक छूटने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं, तो इससे आप लोगों की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है पैनिक सिचुएशन में जॉयस्टिक की साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि छोटी जॉयस्टिक होने से कभी कभी हम अपने कवर से बाहर चले जाते या फिर कवर पर आ नहीं पाते प्रॉपरली। हमारी जो थर्ड एडवांटेज है एक्यूरेसी एंड बेटर एम। तो आप लोगों को पता है आप लोगों की इस पे जॉयस्टिक बड़ी है, तो आप लोगों की एडीएस पे इसमें काफ़ी कम चांसेस है चोक होने की। सिर्फ आप लोगों की एम पे मैटर करता है कि आप लोगों की एम कितनी अच्छी है, नहीं तो आप लोगों को इस पे एडीएस पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि छोटी जॉयस्टिक से आप लोगों की जो मूवमेंट होती है वो फास्ट रहती है, तो इससे आप लोगों की एम मेसअप होने का काफ़ी चांसेस रहता है। और वही बड़ी जॉयस्टिक से आप लोगों का क्या होता है, काफ़ी एम एक्यूरेट रहता है। तो ये थे फिलहाल कुछ एडवांटेजेस हमारी थर्ड वाली कंट्रोल के, इसीलिए चाइनीज प्रीफर करते हैं थर्ड वाली कंट्रोल। और वैसे भी चाइनीज वर्जन में ज़्यादातर फाइट जो होती है ना वो एडीएस की फाइट होती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर एफपीपी खेलते हैं, तो जिसपे आप लोगों की स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी मैटर करती है, ना कि आप लोगों की फास्ट मूवमेंट। तो चलो अब हम चेक कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हमारी थर्ड वाली कंट्रोल। तो हमारी सबसे पहली डिसएडवांटेज है इसमें आप लोग स्मॉल जॉयस्टिक यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं जॉयस्टिक की आउटर एरिया में यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, स्वाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी मूवमेंट नहीं हो रही है, और मैं जॉयस्टिक पे मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी मूवमेंट हो रही है। तो इसकी सबसे बड़ी यही डिसएडवांटेज है अगर आप लोग स्मॉल जॉयस्टिक रखते हो। जॉयस्टिक के अलावा अगर कहीं और ड्रैग करते हो तो आप लोगों की कैमरा एंगल ही मूव होने वाली है, ना कि बंदे मूव करेगा। तो आप लोगों को इस पे बड़ी जॉयस्टिक रखने पड़ेगी। इसकी दूसरी डिसएडवांटेज ये है क्योंकि इस पे आप लोगों को अपनी जॉयस्टिक बड़ी रखनी पड़ती है, और बड़ी जॉयस्टिक मतलब मूवमेंट स्लो होगी लेकिन एक्यूरेट रहेगी। लेकिन कुछ बंदे को स्लो मूवमेंट पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मूवमेंट उनकी स्लो हुई तो उन्हें एनिमी इजिली किल कर पाएगा। तो हमारी जो थर्ड डिसएडवांटेज है इस वाली कंट्रोल की, आप लोगों को इस वाली कंट्रोल की आदत लगने में थोड़े टाइम लग सकता है, क्योंकि मोस्टली हम में से 90% जो बंदे होते हैं वो फर्स्ट वाली कंट्रोल खेलते हैं। और फर्स्ट वाली कंट्रोल पे क्या था, हम कहीं पे भी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे तो हमारी जॉयस्टिक मूव करती थी। लेकिन अगर हम इस पे आएंगे तो क्या है कि अगर हमारी जॉयस्टिक के अलावा लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे कहीं पे भी गलती से ड्रैग हो गया या क्लिक हो गया तो हमारी मूवमेंट नहीं हुई, और उससे क्या होगा अगर हमें बंदा किल कर गया तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप लोगों को क्लासिक मैचेस पे कम प्लस पॉइंट मिलती है तो आप ये ऊपर वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, और अगर आप लोगों को अपनी हिप फायर और एम इम्प्रूव करनी है तो आप नीचे वाली ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना।